जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का डॉक्टर ओमचो यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आप चैनल को से यदि नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हमेशा अच्छे अच्छे वीडियो इस तरह के मिलते रहेंगे। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आपके लिए, यह गलती मत करना जो आमतौर पर लोग करते हैं। हम भारतीय आजकल एक ऐसे कल्चर की ओर अग्रसर हो रहे हैं कि लोन लेकर, लोगों से उधार लेकर जीवन चलाने में विश्वास रख रहे हैं, और ये सबसे बड़ी तकलीफ़ और परेशानी। मैं मानता हूँ कि हम उतना बड़ा अमाउंट नहीं ले पाएंगे, हमारे पास अभी नहीं है, लेकिन हम छोटी छोटी किस्तों में उस चीज़ को अचीव कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू भी यह है कि कई बार उधार लेने के बाद व्यक्ति के कई सारी परेशानियां एक साथ कूद जाती है, जो उसको झेलना पड़ती है। उसमें कई बार परेशानी का सबसे बड़ा वजह अगर कोई ढूंढेंगे ना, तो वो है कर्जा। अन्य जो भी है उनसे हम उभर जाएंगे, लेकिन कर्ज से हम उभर नहीं पाते हैं। बहुत जिन पर ईश्वर की अखंड कृपा होती, जो ईश्वर के शरणागत चले गए, वो कर्ज से आसानी से बाहर निकल आते हैं। लेकिन कर्ज एकमात्र ऐसी कुरीति या बुराई है जो हमारा एक साथ स्वभाव है, कि जो हमें तो सही, हमें तो हमें हमारे परिवार को भी इसका दंश भुगतना पड़ता है। तो आप सभी से मेरा यही है, निवेदन है कि 2019, 2020 या कोई भी साल शुरू हो, जब भी आप ये वीडियो को देख रहे हैं, आप प्रण लें कि हम ना उधार पैसे, कभी किसी से उधार पैसे नहीं लेंगे। वो इसलिए दोस्तों, क्योंकि उधार की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफदेह होती है, कई परेशानियों को, कई मजबूरियों को जन्म देता है केवल उधार। तो अगर आप अपनी मजबूरियों का कोई, और कई बार लोग उधार देकर हमारी मजबूरी का फ़ायदा भी उठाते हैं, परिवार में फ़ायदा भी उठाते हैं। तो ये चीज़ों पर मैं हमेशा फोकस करता हूँ, और हमेशा आप सभी को ये बात शेयर करता हूँ कि आपको यदि शादी करना है, कोई कर्जा लेने की आवश्यकता नहीं है। आप किसी सामूहिक विवाह की जगह पर जाकर शादी कर दीजिएगा, या किसी अन्य कोर्ट मैरिज कर लीजिएगा, या अन्य किसी भी व्यवस्था के साथ शादी कर लीजिएगा, लेकिन कर्ज मत लीजिएगा। वो इसलिए क्योंकि जब हमारी हैसियत नहीं है, हम नहीं कर पाते हैं, तो जो हमारे पास सीमित साधन है उसमें हम उसे कोशिश करें, न कि उस सीमित साधनों से बाहर निकल के करें। ये फॉर एग्ज़ाम्पल दिया है मैंने, इसे अन्यथा न ले। तो ऐसी कई सारी बातें हैं, चीज़ें जिसे हम कर सकते हैं और सुकून से ज़िंदगी ले सकते हैं, जी सकते हैं। तो ये गलती ना करें, कभी भी उधार किसी से ना लें, ये गलती बिल्कुल ना करें दोस्तों। उधार की ज़िंदगी बहुत ज़्यादा तकलीफदेह है। एक अलग कंडीशन, एक अलग ही कंडीशन पे एक अलग बात है उधारी का मसला, लेकिन वास्तविकता में जीवन सामान्य चल रहा है, तो बेफिजूल छेड़छाड़ उधार लेकर ना करें, बस यही मेरा संदेश है। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट्स में आपकी जो राय हो, राय भी लिख सकते हैं। जय श्री महाकाल।